हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आई हूं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जब मैं कोई वेट लॉस ड्रिंक बताती हूं या कोई भी डाइट बताती हूं, तो उनका कहना मुझसे ये होता है कि सुगम, मेरे ओवरऑल बॉडी में फैट नहीं है, सिर्फ मेरे टमी एरिया में फैट है। तो उस पर्टिकुलर टमी एरिया के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ओवरऑल बॉडी का अपना फैट जो है वो बर्न नहीं करना है। तो जी हाँ, आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से बिना बॉडी के फैट को कम किए हुए अपने टमी एरिया के बॉडी फैट को कम करें। यानी कि कुछ लोगों का पेट ऊपर साइड में निकला होता है, कुछ लोगों का नीचे एब्डोमिनल एरिया में निकला होता है, और एब्डोमिनल एरिया का जो पेट होता है वो अक्सर प्रेगनेंसी के बाद होता है। पहले कुछ कुछ लोगों को होता है, लेकिन 80% केस में ये प्रेगनेंसी के बाद होता है। तो इस ड्रिंक के थ्रू मैंने भी अपना जो एब्डोमिनल एरिया का पेट है वो बहुत तेजी से अंदर किया था, क्योंकि ये ड्रिंक स्पेशली वहीं पे जाके वर्क करता है और आपके एब्डोमिनल एरिया के फैट को बर्न करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ओवरऑल बॉडी को ये बिल्कुल टच भी नहीं करेगा। यानी कि अगर आप, जैसे कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनके फेस का भी फैट चला जाता है, जबकि वो चाहते हैं कि फेस थोड़ा सा गोलू मोलू रहे, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। एक मेरा नया चैनल भी है सुगम व्लॉग्स करके, जिसमें मैं ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर एंड अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ। उसका लिंक अभी ऊपर शो हो जाएगा आई बटन पे, तो वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेरे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो उस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपको आधा लीटर वाटर लेना है, और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इसे कैसे लेना है, कब लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी लिया है और उसे गैस पे चढ़ाया है, और यहाँ पे मैं टी बैग्स जो हैं वो ग्रीन टी के टी बैग्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं लूज़ वाली ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी हो सके तो ग्रीन टी लूज़ वाली लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसमें ग्रीन टी डाल रही हूँ, और इसे बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ करूँगी, यानी कि 1 से 2 मिनट तक इसे मैं बॉयल करूँगी। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक इन्फ्यूज़ करने के लिए धीरे फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि इसके अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो हो सके तो अभी ग्रीन टी के बैग्स मत लीजिएगा, लूज़ वाली ग्रीन टी लीजिएगा। फ्रेंड्स, ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह हमारे पेट की चर्बी को बहुत तेज़ी से मेल्ट करती है, तो इसीलिए ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छे से हमारे बॉडी फैट को कम करती है विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट योग। तो बहुत अच्छे से आप इसको इन्फ्यूज करिए। तो यहाँ पे मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे कि इन्फ्यूज हो जाए। अब इसके बाद मैं इसे जिस भी कंटेनर में आप पीते हो उस कंटेनर में आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। तो ये जो मेरा कंटेनर है ये 1/2 लीटर का है। अब आप इसमें 1 लेमन अच्छे से डाल लीजिए, पूरा 1 लेमन आपको लेना है, और इस लेमन को मैं इसमें ही डाल दूंगी, जिससे कि जितना भी इसका रस है वो इसमें पूरी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए। और आपको इसे ऐसे ही सिप सिप करके पीना है, यानी कि इसे ठंडा नहीं होने देना है कि आप सोचें आप इसे लुकवॉर्म वर्क करके पिए, नहीं, आपको इतना ही गर्म इसे ऐसे ही पीना है, यानी कि सिप सिप जैसे आप चाय पीते हैं आपको इसे वैसे ही पीना है। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपको इसे कैसे लेना है, कब लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस ड्रिंक को बनाना कितना इजी है, हर किसी के घर में चीजें अवेलेबल है, बस ये है कि आपको इसे पीना है, बहुत ही अच्छे से पीना है। और किस तरह से पीना है ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि आपको इसे किस कैसे लेना है, कब लेना है। हो सके तो इसे दिन में 3 टाइम लीजिए, यानी कि जैसे मैं बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद और लंच के बाद। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी आप खा रहे हो वो स्पेशली क्या होगा, आपके एब्डोमिनल एरिया में वो बिल्कुल भी फैट जमा नहीं होगा। आप ले सकते हैं इसे एज अ मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका तब मिलेगा जब आप इसे खाने के बाद लोगे, और मतलब तीनों टाइम पे मिल के बाद लोगे, तब ये
आपके उस पर्टिकुलर खाने पे जाके काम करेगा और उसे जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो निकाल लेगा और बेकार चीजें आपकी बॉडी से निकाल के बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग भी कर देगा। आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा नया चैनल भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सी उसमें ब्यूटी टिप्स और हेयर केयर एंड मेरे ब्लॉग्स भी आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।